देखिए मेरे पास एम सी बी है, आप देख सकते हैं मेरे पास 4 एम सी बी है, अब तो एम सी बी है, एक मिनी एम सी बी है देख सकते हैं, और ये फ्यूज है। हमने अपने सारे जुगाड़ यहाँ पे ले लिए, आपको कनेक्शन करके बताएंगे, ठीक है। सारे हमने यहाँ पर रख लिए, मैं आपको सारे बारे में बताऊँगा कौन सा पार्ट किसे चेक किया था, ठीक है। चलिए मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, और आपको वीडियो चलिए लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं फर्स्ट से बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट में कौन आना पड़े, आप समझते होंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे सब इकट्ठा कर रहा हूँ सामान, ठीक है। ये 2 पिन है, और ये इंडिकेटर है, ठीक है, और ये 5 पिन है, आप देख सकते हैं, और ये फ्यूज है, ठीक है, और ये मिनी एमसीबी है, ठीक है, ठीक है, और ये एमसीबी है, जानते हैं, और जो मेरे पास स्विच है मॉडलर स्विच, देखिए आप दोनों में अंतर बता दें, देखिए ये जो स्विच है और आपका स्विच तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये 5 पिन आपको लेते हैं, देखिए ये स्विच मॉडलर है, ठीक है। देखिए इसमें अंतर क्या है, इसमें लॉकर दिया, ठीक है, और जो मेरे पास इंडिकेटर है, देखिए इसमें कसने वाला दिया, ठीक है, इसमें भी कसने वाला दिया है, देखिए ये मिनिमम से भी हो गया, ठीक है, ये लॉकर है, ये मॉडलर है, ठीक है, और ये जो मेरे पास फ्यूज है, जो हम फ्यूज दिखा दें, देखिए ये फ्यूज है कसने वाला, ठीक है, इसका नट बोल्ट रहता है, देख सकते हैं इसका नट बोल्ट रहता है, और ये मॉडलर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपको चेकिंग के, आपको कैसे इसको चेक किया जाता है, कैसे हो क्या किया जाता है, चलिए हम आपको बोर्ड पर समझाते हैं। सबसे पहला तो देखिए जो मेरा 5 पिन है, हम 5 पिन से हम स्विच से स्टार्ट करते हैं, हम बेसिक से, ठीक है, मतलब हम फ्यूज से स्टार्ट करेंगे और मिनी एम सी बी तक आएंगे, ठीक है। चलिए हम फ्यूज ले लेते हैं और मिनी एम सी बी लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्यूज है, ठीक है, ये फ्यूज में 2 पॉइंट आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये फ्यूज हो गया, देखिए ये फ्यूज हो गया, ठीक है, फ्यूज में 2 पॉइंट होता है, देख रहे हैं आप, जिस पर 2 पॉइंट है देख सकते हैं 2 पॉइंट, और इसका तो ये फ्यूज बांधने वाला है, छोड़ दीजिए, और मिनी एमसीबी है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और 1 पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये हो गया मिनी एमसीबी, ये मिनी एमसीबी हो गया, इसमें 2 पॉइंट दिया है देख सकते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। अब हम मिनी एमसीबी बात करें तो देखिए ये इसमें आप ये न्यूट्रल ला लीजिए या फेज डालिए, ठीक है, ये इनपुट आउटपुट करता है, ठीक है, आप यहाँ पे दे दीजिए इनपुट, ठीक है, इसमें इनपुट, तो यहाँ पे आपको आउटपुट होगा, ठीक है, याद करिएगा, यहाँ पे आपका आउटपुट होगा, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये फ्यूज है, ठीक है, हम फ्यूज बात करें अल्यूमिनियम से भी, ठीक है, दोनों एक ही है, ठीक है, पर ये जल जाता है और ये ट्रिप हो जाता है, ठीक है, जो ये है या ऊपर रहेगा तो ऑन रहेगा और जब शॉर्ट होगा तो ये नीचे ट्रिप हो जाता है, ठीक है। और जो फ्यूज है तो ये फ्यूज जो है ये जल जाता है, ठीक है, इसमें एक वायर बना जाता है, जल जाता है, ठीक है। अब ये कीजिए इसमें, अगर यहाँ पे आप लाइन दीजिएगा तो आप इनपुट में आप लाइन दीजिएगा, आउटपुट में आपको लाइन मिलेगा, ठीक है, इसमें लाइन दीजिएगा, इसमें लाइन ही मिलेगा, ठीक है, मिनिमम से मिले लाइन दीजिए लाइन ही मिलेगा, ठीक है। और सोचिए आप यहाँ पर लाइन दे दें और यहाँ पर न्यूट्रल दे दें तो ये आपका क्या करेगा, शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। जब ये फ्यूज डालिएगा, ये फ्यूज बांधिएगा तो दोनों आपस में टच हो जाएगा तो ये शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें समझिएगा फ्यूज में केवल लाइन ही रहता है, न्यूट्रल नहीं देता है, लाइन अगर आप यहाँ पे लाइन देंगे तो आप यहाँ पे लाइन आउटपुट होगा, अगर आप यहाँ पे न्यूट्रल देंगे तो न्यूट्रल यहाँ पे आउटपुट होगा, ठीक है, आपने समझ लीजिए, ठीक है। ये एक ही पोर्ट पर एक ही दिशा में काम करता है, समझिए यहाँ पे रास्ता है, समझिए यहाँ पे फ्यूज लगा है, यहाँ पे गड्ढा है, ठीक है, यहाँ पे गड्ढा है, इसका पार्ट करने के लिए हम फ्यूज लगाएंगे तभी पार्ट होगा, ठीक है, समझिए यहाँ पे आप लाइन दीजिएगा तो यहाँ पे आपका लाइन मिलेगा, ठीक है, आपने लाइन फ्यूज समझ लीजिए, सेम उसी का यही है, मिनिमम से सेम उसी तरह का, मान लीजिए मिनिमम से वही है, समझ लीजिए मिनिमम से भी वही है, ठीक है, उसी तरह का है, उसी में इसमें आप इसमें फ्यूज बांधिएगा, लेकिन इसमें फ्यूज बांधना पड़ता है, इसमें ऊपर नीचे किया जाता है, ठीक है, इसमें ऊपर और नीचे किया जाता है, ठीक है, समझ लीजिए। तो चलिए आपने फ्यूज समझ लिए, अब बात करते हैं हम 5 पिन पर, चलिए हम 5 पिन पर बात करते हैं, अपने पास ये 5 पिन हो गया, ठीक है, 5 पिन ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो फिर हम आपको सॉरी डिटेल में बता देंगे, तो ये 5 पिन आपको चेक ही बताएंगे आपको कैसे चेक किया जाता है, ये 5 पिन हो गया, ठीक है, मान लीजिए आपके पास 5 पिन हो गया, या मॉडलर या कोई भी समझिए, या मॉडलर समझिए या आप या कसने वाला समझिए, दोनों 5 पिन एक ही काम करते हैं, तो आपके पास ये 5 पिन हो गया सॉकेट, ठीक है, एक वहाँ पे आठ, एक वहाँ पे पॉइंट, वहाँ पे पॉइंट, यहाँ पॉइंट, वहाँ पॉइंट, ठीक है, ये 5 पिन हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एक टच होता है, ये दोनों इसमें आपको टच नहीं दिखा देता होगा, लेकिन ये अंदर से ये टच होता है, ठीक है, ये अंदर से दोनों टच होता है, ठीक है। अभी देख सकते हैं एक पे लिखा है न्यूट्रल, आपको शायद दिखा देता होगा, एक पे लिखा न्यूट्रल, एक पे लिखा लाइन, ठीक है, यहाँ पे लिखा है न्यूट्रल, यहाँ पे लिखा है लाइन, लाइन, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एसी करंट है, ठीक है, एसी यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे लाइन है, ठीक है, ये आपका एसी करंट हो गया, न्यूट्रल लाइन, ठीक है, न्यूट्रल फेज या न्यूट्रल लाइन कुछ बोलिए, आपको इसमें कनेक्शन कैसे करना है, आपका ये वर्क करेगा, ठीक है।
तो देखिए अब क्या कीजिए, न्यूट्रल है तो न्यूट्रल डाल लीजिए, लाइन है लाइन डाल लीजिए, ठीक है। ये आपका इसमें दोनों आएगा, न्यूट्रल फेस दोनों आएगा, ठीक है। आप सोचिएगा इसमें न्यूट्रल डाल दें और फिर इसे मिलाकर इसमें न्यूट्रल डाल दें, आपका काम नहीं करेगा, समझ ना आप, समझ आया तुमको? हाँ, तो यहाँ पे आपको मान लीजिए ये न्यूट्रल हो गया और यहाँ पे लाइन हो गया, ठीक है। तो इसको जलाने के लिए आपको लाइन भी चाहिए और इसमें न्यूट्रल भी चाहिए, ठीक है। इसको आप नहीं लीजिएगा, ठीक है, आपको न्यूट्रल लाइन दोनों चाहिए, ठीक है। फिर न्यूट्रल डाल दिए, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे लाकर न्यूट्रल डाल दिए तो आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर लाइन डाल दिए, यहाँ पर लाकर लाइन डाल दिए, वर्क नहीं करेगा। इसको चलाने के लिए आपको न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए, ठीक है। तो समझ लीजिए इसको न्यूट्रल फेस दोनों मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर न्यूट्रल चाहिए, यहाँ पर फेस चाहिए। तो आप एसी से उठाएंगे ना, अब एसी में इसमें डाल दीजिए फेस में और न्यूट्रल न्यूट्रल डाल दीजिए, तो आपका ये फाइव पिन कॉर्ड करेगा, ठीक है ना। समझ लीजिए फाइव पिन में न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए तभी चलेगा, ठीक है, क्योंकि इस दो भाग में बटा गया, ठीक है। हम आपको मल्टीमीटर जो मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर है इसे हम आपको चेक करके बताएंगे, ठीक है, कौन एक में टॉर्च है या कौन अलग है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें अलग है तो न्यूट्रल फेस रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इंडिकेटर पर, ठीक है। चलिए हम इंडिकेटर आपको बताते हैं, चलिए हम आपको इंडिकेटर बताते हैं इंडिकेटर कैसे वर्क करता है। हम थोड़ा स्पीड बना रहे, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप लिख लीजिए, ठीक है, ये नोट, इसको नोट बना लीजिए, ठीक है। इसका आप नोट कर लीजिए अपने बुक में, क्योंकि अब नोट नहीं कीजिएगा फिर आपका काम नहीं सीख पाएंगे, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम आप बात मानिए, मेरा कहना मानिए, इसको नोट कर लीजिए, मैं जैसा लिख रहा हूँ उसे आप लिखिए, नोट कीजिए, क्योंकि आपके आगे चल के याद रहे, इसके बाद आप रिवाइज हो जाएगा, इसको आपको नोट का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम आप वेट करते हैं इंडिकेटर पर, ठीक है। तो मेरा इंडिकेटर ये हो गया, ठीक है, देख सकते हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस दोनों होता है। इंडिकेटर मतलब क्या होगा, इंडिकेटर में क्या लगा रहता है, एक बॉल लगा रहता है, ठीक है। अब पता है एक बॉल के जाने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए। मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है, ठीक है, आपके मान लीजिए बॉल है, इसमें जाने के न्यूट्रल चाहिए, यहाँ पे न्यूट्रल होता है और यहाँ पे फेस होता है, ठीक है, लाइन होता है, ठीक है। आपको न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए, तो मान समझिए इसमें एक रहता है बत्ती, ठीक है, इसको भी न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए। तो इसमें आप पॉइंट पे एक न्यूट्रल दे दीजिए, एक पॉइंट दे दीजिए फेस, ठीक है। ये मान लीजिए आपके पास इंडिकेटर हो गया, ठीक है, इंडिकेटर यहाँ पे दो पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एसी करंट है, आप हमेशा एसी करंट मान लीजिए न्यूट्रल और फेस, ठीक है, लाइन लीजिए या फेस लीजिए। अब इसको चलने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको चलाने के लिए आपको न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए, लिख दीजिए, लिखिए इसको इंडिकेटर जलाने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यूट्रल डाल लीजिए और यहाँ पर फेस डाल दीजिए, इंडिकेटर जलने लगेगा। यहाँ पर एक बॉल रहता है, ठीक है, छोटा एक बॉल रहता है जिसमें एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जाता है और यहाँ पर डायरेक्ट इसमें शॉर्ट होता है, ठीक है, बीच में एक रेजिस्टेंस लगता है, ठीक है, 1K का। इसको मान लीजिए लेडी लेडी बॉल है एक, समझ लीजिए, तो इंडिकेटर जलने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए आप यहाँ पर न्यूट्रल डाल दिए और यहाँ पर आप फेस डाल दिए, अभी कुछ नहीं लेते, क्या होगा, यहाँ से न्यूट्रल मिल रहा है, यहाँ से फिर मिल रहा है, क्या होगा, आपका जो वायर है वो शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो आप इससे गलती कभी नहीं कीजिएगा, मान लीजिए यहाँ पे आप न्यूट्रल डाल दिए, फिर आप मान लीजिए यहाँ पे न्यूट्रल डाल दीजिए, तो फिर भी आपको वर्क नहीं करेगा, जो है इंडिकेटर नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा भी आप गलती नहीं कीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा न्यूट्रल इंडिकेटर जलने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए, तो आप यहाँ पे न्यूट्रल दे दीजिए और यहाँ पे फेस डाल दीजिए, जलेगा। मान लीजिए आप गलती से यहाँ पे फेस डाल दिए, फिर यहाँ पे फेस डाल दिए, तो ये इंडिकेटर थोड़ा सा ये झलझलाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगा, प्रैक्टिकली बताऊंगा, तो आप समझ लीजिए इंडिकेटर का जलने के लिए न्यूट्रल फेस दोनों चाहिए, तभी इसका वर्क करेगा। तो आप ये समझ लीजिए, अब ये भी समझ लीजिए इंडिकेटर में अंदर क्या रहता है, तो आपके अंदर में एक LED बॉल रहता है, ठीक है, एक बॉल रहता है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा रहता है 1K का, ठीक है, 1K का एक रेजिस्टेंस लगा रहता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। यह समझ लीजिए एक रेजिस्टेंस है जो 1K का लगा हुआ है, R1 है, ठीक है, और यहाँ पर LED बॉल रहता है, ठीक है, आप समझ लीजिए इंडिकेटर को। चलिए मैं आपको बताता हूँ, अब आपने इंडिकेटर समझ लिए, अब इसे सब समझ लीजिए कौन कैसे कवर करेगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखिए हमने आपको फ्यूज मिनिमम से बताया, सेम उसी तो प्रोसेस यही MCB का, ठीक है। मान लीजिए आपके पास MCB है, मान लीजिए आपके पास MCB है, MCB में दो पॉइंट आता है, आपको पता ही है MCB में दो पॉइंट होता है, ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो इसको जलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसमें इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है, मैं जब आपका AC हो गया, आपका AC करंट हो गया, ठीक है, लाइन न्यूट्रल, ठीक है, पता है, समझ लीजिए न्यूट्रल लाइन, ठीक है, ये आपके पास MCB हो गया और आपको इस रूम का सर्किट करना, ठीक है। एग्जांपल मान लीजिए ये आपका एक बॉल, मान लीजिए एक बॉल है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका रूम का सर्किट है, बॉल समझिए एक रूम है, ठीक है, बॉल एक समझिए एक रूम का सर्किट है, ठीक है, समझ लीजिए रूम का सर्किट है। मैं आपको शॉर्ट बताऊंगा, मैं आपको ये पूरा भाई नहीं बताऊंगा, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा क्योंकि आपको समझ में आए। तो आपको करना क्या है, ये MCB कैसे वर्क करता है, इसी तरह मान लीजिए
ये आपका रूम का सर्किट हो गया, तो आप रूम का सर्किट में पता है न्यूट्रल होना चाहिए, तो न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल डाल दीजिए ठीक है। और ये जो आपका रूम का सर्किट आ गया, ये फेज ऊपर रहता है, एमसीयू के ऊपर रहता है, और जो लाइन है आपका नीचे रहता है ठीक है। तो आपका हुआ इनपुट हुआ, हुआ कि नहीं हुआ इनपुट, और जब यहाँ से आया आप एमसीयू को ऑन किए तो यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा ठीक है, आउटपुट मिलेगा ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा ठीक है, टेस्टर से चेक करके बताऊंगा, और मैं आपको मल्टीमीटर चेक करके बताऊंगा, आपको समझ आएगा एमसीबी एक ही डायरेक्शन में काम करता है ठीक है, एक ही डायरेक्शन में काम करेगा, इसमें केवल फेज आएगा। सो जब यहाँ पर फेज दे दे, इधर से ऊपर से न्यूट्रल दे दे, तो ये जल जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा ठीक है। अब एमसीबी समझ लिए, मान लीजिए यहाँ पर आप न्यूट्रल भी दे सकते हैं, अगर चाहते हैं आप यहाँ पर न्यूट्रल देने के लिए, तो आप यहाँ पर न्यूट्रल दे दीजिए, लेकिन जो इसका जो है इसको न्यूट्रल छोड़ा दीजिए, और जो इसका है इसका फेज में कर दीजिए, जो इसका है इसको न्यूट्रल में कर दीजिए ठीक है। तभी आपका वर्क करेगा बॉल ठीक है। आप न्यूट्रल ले सकते हैं, फेज भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फेज ही देता है ठीक है, समझ लीजिए, क्योंकि टिप आसानी से कर लेता है। चलिए आपको एम सी में समझ में आया होगा, चलिए मैं आगे बढ़ते हैं। तो मेरा ये तो हो गया, अब आता है स्विच पर ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्विच, ये जो टू पोल का होता है या सिंगल पोल का, सेम उसी प्रोसेस करता है। टू पोल, हाँ मेरे पास टू पोल का नहीं एम सी बी, लेकिन उसका हमको आपका कार्ड बता देते हैं, उसे प्रोसेस बताते हैं। मान लीजिए आपके पास टू पोल का एम सी बी है, मान लीजिए आपके पास टू पोल का एम सी बी ठीक है, टू पोल का एम सी बी ठीक है। और ये आपका हो गया टू पोल का एम सी बी, मतलब टू पोल समझ लीजिए, मतलब टू पोल मतलब दो एम सी बी। अभी सिंगल पोल एक है, सिंगल पोल टू पोल, इसको हम चिपका देंगे, समझिए टू पोल हो गया, सेम इसी तरह का ठीक है। ये एक है सिंगल पोल का है, इसको हम एक चिपका देंगे तो ये मेरा टू पोल हो जाएगा, तो समझिए टू पोल का है। ये जो हम अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन टू पोल का दोनों एक साथ काम करता है ठीक है। हम इसमें लाइन, इसमें लाइन रहता है, एक में न्यूट्रल होता है ठीक है, समझ लीजिए ठीक है, एक न्यूट्रल एक में लाइन होता है टू पोल में ठीक है। समझिए यही टू पोल का शुरू हो गया। मान लीजिए आपके पास टू पोल एम सी बी है, तो एक यहाँ टू पोल का आपका एम सी बी हो गया ठीक है, टू पोल का एम सी बी हो गया, तो कुछ समझ आ रहा है, टू पोल का एम सी बी हो गया ठीक है। और ये आपका एसी करंट हो गया, न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल फेज हो गया एम सी बी ठीक है। और इसका मान लीजिए ये भी आउटपुट, आउटपुट इनपुट ठीक है, या आप इसके यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, इधर भी आउटपुट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है ठीक है। काम प्रोसेस करते हैं ठीक है, इधर से हम इनपुट ले लेते हैं, ऊपर आउटपुट ले लेते हैं ठीक है। चलिए तो इसमें दो दो हो गया ठीक है, इसमें जो आता है इसका जो स्विच दोनों एक रहता है ठीक है, समझिए दोनों स्विच एक रहता है ठीक है। जो इसका दो आता है, इसका अलग अलग ये हो गया उठाने वाला, लेकिन इसका जो रहता है दोनों उठाने वाला, ये दोनों ज्वाइंट रहता है ठीक है, इतना समझिए दोनों ज्वाइंट रहता है ठीक है। तो चलिए इसका हम कैसे बताते हैं, इसमें आप इसमें न्यूट्रल और फेज नहीं लिखा रहता ठीक है, इसमें आपको बनाना है ठीक है। तो आप एक बना लिया न्यूट्रल, एक बना लिया फेज ठीक है। तो हमने इधर से इन किया, ऊपर से क्या होगा आउट होगा, तो ये आपका आउट हो जाएगा यहाँ से, यहाँ पे न्यूट्रल आउट होगा और यहाँ पे फेज आउट होगा ठीक है। तो इस तरह ये टू पोल कैंसिल कवर करता है ठीक है। चलिए मैं अभी इतना बताया, इसको हम आपको आगे आगे भी और बताएंगे ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, अपने नोट पास ये स्विच स्विच है ठीक है, ये आपका स्विच है, आपके पास दो पॉइंट है, इसमें न्यूट्रल फेज नहीं लिखा होता है ठीक है, ये आपके पास एसी करंट हो गया ठीक है, लाइन और न्यूट्रल ठीक है। तो ये स्विच का स्विच क्या करता है, इनपुट आउटपुट करता है ठीक है। यहाँ पर कीजिएगा आउ इनपुट, अब यहाँ पे देगा आउटपुट ठीक है, ये भी लिख लीजिए नोटबुक में उतारिए ठीक है। तो हम यहाँ पर लाइन देंगे इनपुट आउटपुट में, इनपुट में तो मेरा आउटपुट क्या होगा, लाइट ही होगा ठीक है, फेज ही होगा। और यहाँ पर हम अगर हम न्यूट्रल देंगे तो मेरा क्या होगा, आउटपुट न्यूट्रल ही होगा ठीक है। तो एक डायरेक्शन में काम करता है, इसका जो अंदर रहता है, जो यहाँ पे एक स्विच रहता है, यहाँ पे एक्स तरह रहता है ठीक है, सब पत्ती जैसा रहता है इसके अंदर ठीक है। आप ऑन कीजिए, ऑन कीजिएगा तो सट जाएगा, ऑफ कीजिएगा तो ये अलग हो जाएगा ठीक है, ऑन कीजिएगा तो सट जाएगा, ऑफ कीजिएगा तो ये अलग हो जाएगा ठीक है। आपको समझ में आएगा। अब बताइए आपको वीडियो कैसा लगा ठीक है, अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, मैं चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि मैं ऐसा वीडियो डालूँ इलेक्ट्रिशियन रिलेटेड या कोई भी कंपनी कोई भी चीज़ के रिलेटेड, आप मिस ना करवाए। हाँ एक और बात, ये वीडियो थोड़ा लंबे हो गया है ठीक है, इसलिए मैं आपको मल्टीमीटर से चेक करने बताया हूँ कि न्यूट्रल किस में लगेगा, फेज किस में लगेगा, कौन कैसे काम करता है ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपके इतने तो वीडियो समझ में आया होगा, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा ठीक है कि मल्टीमीटर कैसे चेक करें कि ये एक शॉर्ट है या स्विच कैसे काम करता है, इंडिकेटर कैसे काम करता है, न्यूट्रल फेज में आप किस में कौन कंपोनेंट्स में कौन सा न्यूट्रल जाएगा और किस में फेज जाएगा ठीक है। तो इस वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए, अब मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए क्योंकि वो भी इलेक्ट्रिशियन काम सीखे और उनका कुछ जानकारी हो। तो चलिए अब तब के लिए इतने ही, तब तक के लिए गुड बाय।